हाँ दो ये कर दो कर दो। मैंने लगा अच्छा देखते हैं क्या किया क्या है भाई, इतना हंगामा क्यों हो रहा है। मैं जाके ट्रेलर देखने गया कि मतलब किस बात का शोर है, ये हिस्टोरिकल डिपिक्शन गलत है ये सब ये लोग बोल रहे थे। तो मैं जाके देखने गया, मैंने देखा यूट्यूब पे चलाया मैंने, तो पहले तनिष्क का ऐड आया फिर वो खत्म हुआ, मुझे पता चला साला यही ट्रेलर था। मैंने कहा सही तो बोल रहे हैं ये लोग, ऐसा तो सही सही बात है यार, ये तो उस समय ऐसी डिजाइनर ज्वेलरी थोड़ा होती थी। सही सही है इनका आउटरेज, एकदम सही है, आई सपोर्ट देम, ये ऐसी गलत ज्वेलरी दिखा दी है। पद्मावत ऑन विच द फिल्म पद्मावती इज बेस्ड, नाउ उसका आई भी हटा लिया इन्होंने, वो सारा नाम बदल दो, किसी को पता ही नहीं चलेगा, पढ़े लिखे थोड़ा। वो आएंगे बोले पद्मावती कहाँ लगी है जी, नहीं यहाँ तो नहीं लगी, वहां पद्मावत लगी, अच्छा चल वहां से कहीं और चले जाएंगे। वो हो सकता है अगर वो इतने भाई हैं, बहुत सॉफ्ट दिल वाले हैं, तो हो सकता है थोड़ा सॉफ्ट अकल वाले भी हों, तो चले जाएं। फिर वो है उसके बाद इन्होंने और आगे बढ़े, फिर किसी ने बोला 5 करोड़ दे दो उसकी गर्दन काट के ले आओ, हम 5 करोड़ दे देंगे। फिर किसी ने कहा कि नाक काट के ले आओ साला, 10 लाख दे देंगे। नाक लेके जाओगे तो दीपिका भी लेके जानी पड़ेगी ना दिखाने के लिए कि इसी की नाक है, नहीं तो कैसे पता चलेगा। लेकिन फिर इन्होंने फांसी वांसी दी पुतलों को, चित्तौड़ फोर्ट के नीचे 3 पुतलों को फांसी दी गई वहां पे, कि भंसाली का पुतला है वहां पे, रणवीर सिंह का पुतला है, और वहां पे दीपिका का पुतला है। शाहिद बोला यार मैं भी हूं यार फिल्म में, अब मेरा पुतला क्यों नहीं है यार, ये क्या बात हुई यार, ट्रेलर में भी कोई नोटिस नहीं कर रहा है, यहां भी तुम लोग ये कर रहे हो यार, ये क्या है, ऐसे मत करो यार, मैंने भी किया, मेरा भी लटकाओ, मुझे भी फांसी दो। लेकिन ये है क्या, ये फिल्म है क्या, मैं जानना चाहता था। मैंने थोड़ा पढ़ा कि पद्मावत क्या है, जिसको ये लोग कह रहे हैं कि इसकी हिस्ट्री डिस्टॉर्ट कर दी, तो पद्मावत की कहानी क्या है और उसको कैसे डिस्टॉर्ट किया जा सकता है, मैं देखना चाहता था। तो मैंने पढ़ी, तो मैं आपको कहानी थोड़ा सा ब्रीफ में बताता हूं। एक राजा है, उसकी बेटी है रानी पद्मिनी। तो वो राजा साहब बड़े पजेसिव टाइप हैं, उन्होंने बेटी को रखा हुआ है, वो किसी से उसको बात नहीं करने देते हैं बेटी को, और ये सब ये टिपिकल इंडियन मेल वो है ना, कि प्यार और ऑपरेशन में फर्क नहीं समझ आता है। तो इतना प्यार करते हैं कि उसको ऐसे छुपा के रखा हुआ है कि किसी से बात नहीं करेगी। और उसका एक बेस्ट फ्रेंड है तोता, हीरा मन नाम का एक तोता है, वो उससे बात बात करती है। एक दिन पिताजी बोलते हैं तोता बहुत ज्यादा बात कर रहा है, इससे तोते को मार दो। तोते की ऑनर किलिंग हो रही है वहां पे, तोते की ऑनर किलिंग। उन्होंने कहा कि ऐसा है तोते को मार दो ले जाके। वो 4 सिपाही टाइप तोते को ले गए जंगल मारने, उड़ गया। कितने चूतिए थे ये, 4 लोग मिलके एक तोते को नहीं मार पाए। कैसे तोते को साले मारना है तो पिंजरे में मारो ना, जंगल ले जाओगे उड़ जाएगा ना भैया, तोता है वो एक टाइम पे एक पैर नहीं उठाता है, तोते को मारने के लिए ये लोग जंगल ले गए, तोता ससुर उड़ गया, उड़ गया। वो उड़ के गया कहां, राजा रतन सेन के पास, जो शाहिद है फिल्म में, राजा रतन सेन के पास गया। वहां जाके तोते ने बताया कि एक रानी है पद्मिनी, बड़ी सुंदर सी है। सो बाप का शक सही था, तोता हरामी है। राजा रतन सेन ऑलरेडी मैरिड, ओके, ऑलरेडी उसकी शादी वादी हो चुकी है। तोते ने आके उसको बोला, बड़ी सुंदर है, बोला अच्छा मुझे चाहिए। आप सोचो आपकी खिड़की पे एक दिन कोई तोता आ जाए, और बोले वहां पे ना राजस्थान में एक बहुत ही कोई है सुंदर सी है, आप अपना घर द्वार छोड़ के चल पड़ो। मैं तो राजस्थान वैसे ही ना जाऊं कोई कुछ भी बोले, ऑलरेडी मैरिड। एक तोता आके उसको बोल रहा है, तोता है कि ससुर व्हाट्सएप है, जो बोला तूने मान लिया। वो चल पड़ा, वो पहुंचे वहां पे भी, हमको जाना है महल के अंदर। वो राजा जो साला तोते से नहीं बात करने देता, आदमी को घुसने देगा,
उसने बोला ऐसा है आप जाइए यहाँ आप कौन। तो वो भेस बदल के आया, वो साधु का भेस बना के आया, और फिर भी अंदर आके वो पद्मिनी तो ऑब्वियसली उसको नहीं दिखी, लेकिन उसको एक जगह बर्तन में उसका रिफ्लेक्शन दिख गया। ये चैप्टर जैसे आया भंसाली ने बोला मैं फिल्म बना रहा हूं। बर्तन आ गया, मैं बर्तनों के लिए बनाता हूं। लेकिन फिर somehow something happened, मैं थोड़ा प्लॉट कट शॉर्ट करता हूं, लेकिन कुछ कुछ करके उसने वो शादी हो गई, क्योंकि राजा ने भी बोला ठीक है यार कितने दिन छुपाएंगे, क्योंकि तोता तो खुला घूम रहा साला है। कल जाके साला अमित शाह को कुछ बोल रहे, फिर हम क्या करेंगे। तो ऐसा है आप ले जाइए, आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ये वो है जो भी है ठीक है आप ले जाइए। मुझे ये नहीं समझ आ रहा शाहिद ने तोते का रोल क्यों नहीं किया फिल्म में, ज्यादा फुटेज शायद उसका है। पर अच्छा शादी हो गई, लेकिन यहां नहीं खत्म हुई बात। एक और राजा था बगल के राज्य में, उसने भी सुना कि पद्मिनी बड़ी सुंदर है, वो रतन सेन के पास आ गया। आफ्टर रतन सेन हैज मैरिड पद्मिनी सेइंग मुझे पद्मिनी चाहिए। रतन सेन ने बोला तेरे पास भी तोता है, चल हट यहां से। ये वो जो भी है उनका आपस में कुछ कुछ झगड़ा हुआ, ईगो फाइट हुई, वो चला गया। लेकिन उसने जाके खिलजी को, तब खिलजी आता प्लॉट में पद्मावत के प्लॉट में, आफ्टर 75% ऑफ पद्मावत इज डन और समथिंग, तब जाके वो खिलजी के पास गया। उसने भी खिलजी को बताया कि भैया ऐसा है वहां एक बड़ी सुंदर रानी है पद्मिनी नाम की, बहुत सुंदर है। खिलजी बोला कि तूने देखा है? बोला नहीं, तोते ने देखा है और रतन सेन को बताया है। खिलजी बोला बहुत तुम साले बहुत गलीबल टाइप हो, पर ठीक है हम भी खाली हैं, कुछ ज्यादा ऐसा काम नहीं है, देखते हैं। तो खिलजी स्टार्टेड बिल्डिंग अ बिल्डिंग एन अटैक ऑन रतन सेन, उसका फायदा उठाते, क्योंकि रतन सेन पे खिलजी अटैक कर रहा था, वही वो दूसरा राजा जो भी चंकी पांडे व्हाटएवर लाइक इमेज, वो अटैक कर दिया। और तो वो दोनों राजा रतन सेन एंड दैट गाय बोथ राजपूत फॉट विद ईच अदर व्हाइल खिलजी वाज स्टिल लाइक ऑन हिज वे। आपस में लड़े, आपस में मर गए वो दोनों एज पर पद्मावत, दो राजपूत हिस्ट्री और व्हाटएवर देयर ओरल हिस्ट्री स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दिस, बट एज पर पद्मावत वो दोनों राजा आपस में लड़े, आपस में मर गए, दोनों मर गए। उनकी रानियों को साथ में सती करना पड़ा, सो पद्मिनी कमिटेड सती एट दैट टाइम। उसके बाद खिलजी आया, उसके बाद खिलजी आया बोला ससुर बुलाए का है ना, तो कोई बचा ही नहीं, कोई नहीं है, सारे मेन कैरेक्टर खत्म हो चुके हैं। उसके बाद खिलजी आया, और उसके बाद वो जो चित्तौड़ की बाकी रानियां थी और बाकी वहां की महिलाएं थी उनको जौहर करना पड़ा। दिस इज द एंड ऑफ पद्मावत। बट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर वो चार लोग तोते को मार देते तो आज भंसाली के 180 करोड़ नहीं फंसे होते।